जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आपके 1000 से 1200 यूनिट अगर आपके यूज होते हैं तो आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगा सकते हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है 15 से 18 लाख रुपए है। लेकिन अगर आपके पास जो है 15 से 18 लाख रुपए सिस्टम नहीं है, आपके पास 8 से 10 लाख रुपए है, तो उसके साथ जो है वो आप अपने यूनिट को कम कर सकते हैं। आप 5-6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा के अपनी यूनिट्स जो है वो आप अपने 500 से नीचे ला सकते हैं। जब आप अपने यूनिट्स जो है 500 से नीचे लेकर आते हैं तो आपकी यूनिट की कॉस्ट भी कम हो जाती है। जब आप 700 यूनिट प्लस पे जाते हैं तो आपके जो यूनिट की कॉस्ट है वो 50 रुपीज होती है। अगर आप 500 से यूनिट नीचे जाते हैं तो तकरीबन आपके 40-41 रुपए का आपका यूनिट जो है वो आपको पड़ता है। तो इस तरह भी आप अपने यूनिट की जो है वो कॉस्ट को नीचे ला सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने जो है वो अपने यूनिट्स को जो है वो जीरो पे लेकर चले जाए। आपके पास इतनी अमाउंट अभी नहीं है तो आप उसको 8 से 10 लाख रुपए लगा के आप 500 से यूनिट को नीचे लेकर आ जाए और उसकी कॉस्ट है उसको कम कर दे और इसके साथ जो है वो अपनी सेविंग करें। जैसा कि अभी आपको पता है कि पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं और उसका इफेक्ट जो है वो बिजली के ऊपर भी आएगा और दूसरी चीजों के ऊपर भी जाता है। तो जब बिजली ऊपर आपका इफेक्ट आएगा, अभी आपका यूनिट की कॉस्ट जो है वो 50 रुपए है, ये यूनिट की कॉस्ट क्या पता है अभी इंक्रीज भी हो सकती है। अगर ये और इंक्रीज हो गई तो आपकी जो बिजली के बिल है और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, आप सोलर के ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी सेविंग करें। 2 साल के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपकी बिल्कुल रिटर्न हो जाती है, उसके बाद 25 साल की इसकी लाइफ होती है, 25 साल तक आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हैं। तो इससे फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।